रहीम जनाब आज हम आपको सैर करवा रहे हैं आज़म थीम पार्क हबीब चौक गुजर खान की जो कि गुजर खान से 9 किलोमीटर दूर बेवल रोड पर हबीब चौक में मौजूद है इसमें कोई शक नहीं कि ये पुठवार का बहुत ही यूनिक और बहुत बड़ा जो है वो पार्क है जो कि पुठवार के गाँव के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इन्जॉयमेंट का सबब बनेगा तो यहाँ हम आपको पूरे पार्क की सैर करवाएंगे पार्क का नाइट व्यू भी आपको दिखाएंगे पार्क में मौजूद आजम फोर्ट मार्की की भी सैर करवाएंगे उसका इंडोर व्यू भी, भी आपको दिखाएंगे और मुख्तलि राइड जो है वो आपको उनकी भी सैर करवाएंगे तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा हमारे साथ रहिएगा इसको उसकी मत कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हार आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके तो चलिए मिलके देखते हैं और सैर करते हैं ख़ूबसूरत से आज़म थीम पार्क की तो यहाँ हम जी पार्क में पहुँच चुके हैं तो ये मेन इंट्रेंस है मेन रोड से इसकी तो यहाँ से चेकिंग के बाद आप इंटर होंगे और यहाँ लेफ़्ट साइड पे एक बहुत अच्छा सा पत्थर के साथ जो है वो गार्डन बनाया गया है बहुत प्यारे से जो है वो इसको व्यू दिया गया है राइट साइड पे यहाँ आज़म फोर्ट मार्की है जो कि बिला पठवार की बेस्ट मार्की है तो इन इसके भी हम इंटरेस्ट जो है वो इंडोर आपको सैर करवाएंगे तो यहाँ लेफ़्ट साइड पे फिर जो है फ़न हाउस है इंडोर फन है जहाँ बच्चे एंजॉय कर सकते हैं तो साथ ही आगे यहाँ पे एक यूनिक जो है वो चीज़ आपको दिखाते हैं और वो है ये बांस से बनाई गई मस्जिद बहुत ही ख़ूबसूरत बहुत ही प्यारी सी मस्जिद जो कि कम्प्लीटली बाँस से बनाई गई है ये इसका इनडोर जो है वो व्यू है बहुत ख़ूबसूरत बहुत ही प्यारी तो इसके साथ ही आगे जाएँ तो यहाँ पर मुख्तफ़ किस्म के जो है वो तोते पाले गए हैं मुख्तलिफ रंगों के खूबसूरत से आस्ट्रेलियन तोते बच्चों की जो है वो अट्रैक्शन का सब्बा बनते हैं तो यहाँ तक हम फ्री घूमते हैं और इसके बाद जो है वो हमको टिकट लेनी होती है और टिकट लेने के बाद इस गेट से हम पार्क के निचले हिस्से की तरफ एंटर होते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लेफ़्ट साइड पे ये जो है वो मुख्तलिफ जो है वो शॉप्स बनाई गई हैं जिनमें आपको खाने पीने के मुख्तु अशिया मिलेंगी दही बल्ले चाट आइसक्रीम ड्रिंक्स वगैरह और इसके अलावा यहाँ पे सीटिंग एरिया बनाया गया है बहुत सारी जगह पर आप छोटे बड़े जो है सीटिंग एरिया बनाए गए हैं जहाँ पर आराम से बैठ अपना जो है वो खाना पीना खा सकते हैं इंजॉय कर सकते हैं तो यहाँ से हम सीधे लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं नीचे जी स्विमिंग पूल की तरफ आपको लेकर यहाँ एक बहुत बड़ा पूल बनाया गया है और इस पूल के किनारे आपको एक ट्रेन भी जो है वो मिलेगी जिस पे आप बैठकर पूल की सैर कर सकते हैं एक ट्रैक बिछाया गया है ट्रेन का छोटे सी बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत जो है वो एक विषय और अरीज पूल है जिसमें आप पैडल बोटिंग भी कर सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसका व्यू है एक पूल है तो इसके साथ ही आगे भी एक स्विमिंग पूल है जो के स्लाइडिंग पूल है जहां पे आप जो है वो स्विमिंग एंजॉय कर सकते हैं एक हाई जो है वो स्लाइडिंग स्पेल गाई गई है कई फुट बुलंदी से आप आकर अपनी स्विमिंग जो है वो इंजॉय कर सकते हैं जे बिला शुभ एक यूनिक चीज़ है जो कि पठवार के लोगों के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है गर्मियों में आप स्विमिंग जो है वो यहाँ आके इंजॉय कर सकते हैं तो इसके अलावा जी यहाँ पर ये बग्गी है हमारे पास घोड़े के साथ जो है वो आप बग्गी पे बैठकर बग्गी की राइड भी एंजॉय कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के जानवरों को जो है वो यहाँ पे स्टेचू के तौर पर ये जराफा है इसके साथ ही जो है वो एलिफेंट है बहुत सारे जो है वो जानवर बच्चों के अट्रैक्शन के लिए यहाँ पे जो है वो प्लेस किए गए हैं साफ सुथरा और खुला माहौल तो इसके साथ एक साइड पे टिकट घर है जहाँ से हमने जो है वो टिकट लेनी है उसके बारे में मालूम लेनी है कि कितने की टिकट है तो नॉर्मली जो है वो सेवेंटी रुपीज़ के हैं और इसके अलावा वन फिफ्टी टू हंड्रेड टू फिफ्टी तक भी मुख्तलिफ जो है वो टिकट्स के रेट्स हैं तो जहाँ एक कैंट व्हील भी है जिसमें बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं इसके अलावा इस आजम थीम पार्क की खास जो राइड है वो है ड्रैगन बोट ये फ्लाइंग बोर्ड जो है बहुत ही फेमस है यहाँ पे हर कोई इसकी जो है राइड लेना पसंद करता है इसके अलावा स्विंग भी है आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं सिंगर से जंपिंग भी है बच्चों के लिए और यहाँ जो है फ्लाइंग कारपेट भी है इसके साथ ही यहाँ पे कैटल कप की राइड है जहाँ बैठकर आप कप में बैठकर जो है वो झूले ले सकते हैं और यहाँ से हम राइट जाएंगे तो यहाँ पे जो है वो मैजिक बॉल है ये भी एक तरह के यूनिक जो है वो राइट है हमारे बच्चों ने ये भी ली है बहुत मज़ेदार है इसमें जो है वो राइट होती है तो अब आगे चलते हैं जंपिंग का असल भी है यहाँ पे बच्चे जो है वो ज्यादातर टाइम जो है वो यहाँ पे स्पेंड करना पसंद करते हैं तो यहाँ पे मैरी गो राउंड है मुख्तलिफ़ को मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं यहाँ गाड़ियाँ और जहाज की जो है वो बनाई गई हैं राइड्स जो कि बच्चे बहुत शौक से जो है वो लेते हैं अभी हम आपको जनाब सारी राइड्स तो हमने ले ली हैं तो हम आपको नाइट व्यू जो है वो दिखाते हैं आजम फोर्ट का और पार्क का माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है तो इसके साथ ही हम आपको अंदर लिए चलते हैं और आजम मार्की की इंडोर जो है वो आपको व्यूज दिखाएंगे बहुत ही खूबसूरत इंट्रेंस बहुत ही खूबसूरत सा जो है वो इसका स्टेज है और बहुत ही खूबसूरत सीटिंग है और बहुत ही खूबसूरत डाइनिंग एरिया है बिलासोबाजी पठवार की बेस्ट मार्की होगी इनशाला बहुत खूबसूरत बहुत ही प्यारी उम्मीद करते हैं कि आपको पार्क की सैर अच्छी लगी होगी और ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा मुझे दो में याद रखेगा बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़